सूरा मेरे आज हमारा साप्ताहिक यानी साप्ताहिक एक साथ बैठने का दिन है और बहुत पुराना दिन है पूरी दुनिया साप्ताहिक रूप से साप्ताहिक रूप से वीकली डेज़ के हिसाब से भारत से समणों से समणों के जितने महापुरुष हैं जो उनकी सन्नीचरिया थी सन्नीपात बाहुल था शनिचर्या थी उससे वो सीखे हैं इसलिए आज के दिन हमको याद रखना चाहिए मिलना चाहिए और इसका जिक्र पूरे हफ्ते करते रहना चाहिए पूरे सप्ताह तक करते रहना चाहिए और शनिवार में अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम एक दूसरे को फ़ोन उठाकर शुभ शनिवार की मंगल कामनाएं देनी चाहिए हैप्पी सैटरडे बोलना चाहिए हैप्पी हैप्पी सैटरडे अगेन एंड अगेन, अगेन बोलना चाहिए हैप्पी मीटिंग संडे सैटरडे बोलना चाहिए यानी सैटरडे सन्निचर्या सन्नीपात बाहुल की मंगल कामनाएं पूरी दुनिया में कार्ड बनाकर पोस्ट बनाकर वीडियो बनाकर फ़ोन पर मैसेज छोड़कर किसी भी तरीके से लगातार देनी चाहिए और जितने भी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं चाहे वो टेक्स्ट में हैं लिखित में हैं और चाहे वो वीडियो में है चाहे वो पोस्टर में है उन सबको लगातार लगातार उस पर जिक्र करते रहना चाहिए जिक्र करने से चीज़ें ज़िंदा हो जाती हैं और जिनके जिक्र बंद हो जाते हैं वो दफन हो जाती हैं ख़त्म हो जाती हैं समण का जिक्र बंद हो गया तो समण और समण लोग दफन हो गए आज मैं एक मीटिंग में गया था उस मीटिंग की चर्चा करूंगा कंसेप्ट में वो मीटिंग लगाई थी राजेंद्र पाल एडवोकेट पूर्व मिनिस्टर अभी के एमएलए मिशन जय भीम के संस्थापक संरक्षक उनका तीसरा वार्षिक कार्यक्रम था सालाना और वहाँ व्यक्तिगत स्तुति यानी कि एक व्यक्ति की महिमा व्यक्ति को आगे बढ़ाने का वो कार्यक्रम खुद ही कार्यक्रम के संरक्षक खुद ही कार्यक्रम के संस्थापक बनाने वाले और खुद ही कार्यक्रम में अतिथि ये परंपरा पूरे भारत में हमारे जितने भी श्रवण लोग हैं उन्होंने पोस्टरों का कार्यक्रमों का मजाक बना के रखा हुआ है खुद के कार्यक्रम में खुद ही अतिथि बन जाते हैं तो फिर अतिथि किसको कहते हैं ऐसे ही बामसेफ के सारे पोस्टरों में बामसेफ के बनाने वाले ही बामसेफ़ के अतिथि हो जाते हैं और पता नहीं क्या से क्या सोच के अतिथि लिखते हैं क्या नहीं हैं अलग बात है बहुत सारी बातें वहाँ देखी तो वहाँ एक 78 बैच के आईपीएस मिले विजेंद्र सिंह उनसे मुलाकात हुई मैं उन्हें जानता नहीं था पर वहाँ ऐसी साधारण रूप से हम बातचीत कर रहे थे मेरी दाढ़ी मुझ बड़ी हुई थी तो पहचान नहीं पाए पर थोड़ी देर बात होने के बाद कहने लगे देखा है कहीं आपको फिर याद आया हो कि वीडियो में देखा है फिर उन्होंने कहा मैं आपकी बहुत वीडियो सुनता हूँ और वीडियो सुनने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि हमारी जो संस्कृति है कल्चर है वो शर्मण है समण है और इसका कहीं जिक्र ही नहीं है यहाँ वैदिक संस्कृति का जिक्र होता है ब्राह्मण संस्कृति का जिक्र होता है सनातन धर्म की बात होती है और बहुत सारी बातें होती हैं पर इतनी विशाल शर्मण संस्कृति समण संकृति उसका तो कोई शब्द भी नहीं जानता और वो आईपीएस थे सेवेंटी एट बैच के उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं एक जैनियों की सभा में गया था तो वहाँ मुझे पहली बार समण का नाम मिला क्योंकि वो समर्ण के नाम से मिलते हैं एक दूसरे से क्योंकि महावीर जैन भी समर्थ थे वो लोग भी समर्थ थे और बुद्ध महासमर्ण वो भी समर्थ थे और बाकी लोग भी समर्थ थे तो उनकी बातों से उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमारा शब्द चला गया हमारी संकृति चली गई इतनी विशाल हमारी कल्चर चली गई हमारा मिलना जुलना चला गया और हमें पता तक नहीं है 78 बैच के आईपीएस समझिए जो पूरा इतिहास पढ़ के आते हैं जो पूरा एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के आते हैं जो पूरा एडमिशन पढ़ के आते हैं जो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और जो पूरी दुनिया को देखते हैं रिटायर हो गए हैं वो अब वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि समर्ण शब्द को दुनिया के कानों तक पहुंचाना और इस संगति के पहले शब्द को दुनिया से रूबरू कराना और उनसे इनका इंट्रोडक्शन करवाना ये सब समर्थ संगियों की प्राइम ड्यूटी है इसलिए गारव से कहो हम समर्थ संगी हैं समण प्रभात समण रात्रि समण भोज समण मंगल कामनाएं, समण घर समण हाउस समण भवन समण मोटरसाइकिल समण कार समण कपड़ों पे लगे हुए ठप्पे समण बर्तनों पे लिखा हुआ समण समण जहाँ भी हो सके समण शब्द का समण शब्द का समर समरसंखा आपने प्रचार प्रसार करते रहेंगे और ये करोड़ों और अरबों बार लिखा जाएगा खरबों बार लिखा जाएगा तब ये माइंड में जाके एस्टेब्लिश होगा कि हाँ हम पुराने समर हैं अरबों खरबों बार बता रहा हूँ आपको खाली इस पोर्टल पे अगर आप इसके भरोसे रहें कि यहाँ समर्संघ लिखा हुआ है चलेगा तो हमें हज़ार साल लगेंगे कामयाब होने में और वो भी पता नहीं होना हो हूं क्योंकि बहुत सारी मुसीबतें भी आएंगी तो हो सकता है कि डब्बे में बंद हो जाएँ हम लोग खत्म हो जाएँ इसलिए जितना इसका प्रचार हो सके लिख के मैंने पहले भी बताया था कि और कुछ ना हो तो कागज़ पर लिखो कि मैं समर्थ संगी हूँ और उसका फ़ोटो खींचो और उसे व्हाट्सएप पर डाल दो डेली दस बार डाल दो कौन से पैसे लगते हैं व्हाट्सएप पर जितना बिल आना है जितना आपने पे किया है वो तो किया ही है उसका कितना इस्तेमाल कर सकते हो ये आपके ऊपर है दीवारों पर लिखो घर पर लिखो रफ बुक पर लिखो ऑफिस में लिखो कल्चर पर लिखो टेबल पर लिखो अपने कैलेंडर पर लिखो अपने झंडे पर लिखो अपने बच्चों की किताब पर लिखो तब जाके हमारी एस्टेब्लिशमेंट दोबारा से जल्दी हो पाएगी हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो है पर रिकॉल नहीं है रिवाइव नहीं है पुनर्जीवित नहीं है दोबारा से हमें याद नहीं आ रही है इसको याद कराने के लिए अरबों खरबों बार हमको इस शब्द को दोहराना पड़ेगा और माथे पे भी लिखवाना पड़ेगा और शरीर पे टैटू भी बनवाना पड़ेगा कि मैं समण हूँ तब जाके हम जीतेंगे ये वहाँ मीटिंग में जाके मुझे एहसास हुआ कि इतना लर्निड आदमी और जो पूरे राज्य को चलाता है जो स्टेट को चलाता है उसको नहीं पता तो कितना बड़ा काम करना है और कितना बड़ा काम हमने अपने हाथ में ले ले लिया है ये एहसास होता है बाहर जाके के वहाँ एक टी का जो हमारे यूट्यूबर मीडिया हैं उन्होंने कहा कि आप कुछ बोलिए तो मैंने कहा ठीक है आप सब सब्जेक्ट बताइए तो उन्होंने संविधान के बारे में बात छेड़ी उन्होंने कहा जी कि संविधान बदलने की बात हो रही है आपका इस पर क्या कहना है और आज हमारा जो दिन है वो वकीलों का दिन है और वकील हमारे संविधान के पंडित होते हैं संविधान के जानकार होते हैं हम इतने जानकार नहीं हैं पर वकील तो पढ़ के आते हैं उनको तो सर्टिफिकेट होता है कि उन्होंने लॉ किया है एलएलएम किया है उसके आगे भी कुछ किया है प्रैक्टिस भी की है दिन रात संविधान की किताबों में और लॉ की किताबों में वो लगे रहते हैं तो उसने मुझसे जब प्रश्न किया तो मैंने उससे पूछा कि तुम दूसरों के एजेंडे पर काम क्यों करते हो किसी ने तुमको कह दिया कि संविधान बदलना चाहिए या बदलेगा और तुम सारे के सारे जितने बुद्धिजीवी हो जितने पत्रकार हो जितने तुम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जितने डॉक्टर हो जितने संगठन वाले हो जितने नेता हो जितने तुम यूट्यूब पे हाईलाइट होने वाले सितारे हो तुम सारे के सारे उस फेंके हुए एजेंडे को क्यों उठा लेते हो क्यों तुम किसी दूसरे के कहे हुए शब्द को बार 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 रिपीट करके उसको बड़ा करते हो किसी ने एक बार कहा चेक करने के लिए और तुम उस पर बवाल मचाते हो और उसको इतना बड़ा कर देते हो उसी की बात को इतना बड़ा कर देते हो जिसने एक बार कहा वो तो कह के भूल गया पर तुमने दस लाख बार कहा तुमने दस करोड़ बार कहा और उसको जिंदा कर दिया क्योंकि जिसका जिक्र होता है वो जिंदा हो जाता है और जिसका जिक्र नहीं होता वो दफन हो जाता है तो उन्होंने कहा जी कि संविधान बदल रहा है तो क्या हम कहें भी नहीं तो मैंने उससे कहा कि मुझे बता दुनिया का ऐसा कौन सा संविधान है जो हर बार पार्लियामेंट में ना बदलता हो तो मुझे बता दे कि जो संविधान में हम नियम बनाते हैं जो अमेंडमेंट करते हैं क्या ये संविधान बदलना नहीं है क्या संविधान में नहीं लिखा हुआ है क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा नहीं है कि जिसको जो करना हो अपना बहुमत ले आना और बदल लेना तो ये अमेंडमेंट क्या होते हैं जब भी पार्लियामेंट लगती है साल में तीन बार वो कुछ ना कुछ बदलाव करके उठती है पुराने नियम काम नहीं आते तो नए बनाती है कई बार वो संविधान की जो मूल प्रियम बल तक है उसे भी चेंज कर देते हैं उसमें भी शब्द जोड़ देते हैं घटा दे देते हैं अमेंडमेंट करके धाराएं बदल देते हैं धाराएं ठीक कर देते हैं ख़राब कर देते हैं इसमें बदलने में कौन सी नई बात है क्या हमारा संविधान मुर्दा है क्या हमारा संविधान जीता जागता एक लाइव है जो लगातार चलता है तो इसको बदलने के लिए अगर किसी ने कहा है तो तुम इतने परेशान क्यों होते हो तो उसने कहा जी कि वो बदल रहे हैं वो सारे अधिकार हमारे ख़त्म कर रहे हैं तो मैंने कहा ठीक है जो बहुमत में होगा जो अपने लोगों को इकट्ठा करके लेके आएगा वो तुम्हारी बात करेगा क्या वो तुम्हारे लिए संविधान में अमेंडमेंट करेगा क्या वो तुम्हारे लिए नियम कानून में अमेंडमेंट करेगा बदलेगा तुम इतने खूबसूरत हो क्या जितने भी लोग दुनिया में होते हैं जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वो अपने हिसाब से अमेंडमेंट करते हैं अपने हिसाब से बदलाव करते हैं अपने लोगों के लिए करते हैं और जो उनके सपोर्टर होते तो हैं उनके लिए करते हैं और जो उनके सपोर्टर नहीं होते विपक्ष में लोग बैठे होते हैं उनके लिए हो जाए तो हो जाए ना हो जाए तो कोई बात नहीं वो संविधान की मूल भावना भी ध्यान नहीं रखते ये तो नियम है प्रकृति का कि जो बहुमत में होगा जो सत्ता में होगा वो अपने हिसाब से नियम बनाएगा या विपक्ष वालों के हिसाब से नियम बनाएगा और अगर विपक्ष वालों के हिसाब से नियम बनाएगा तो फिर काय का सत्ता पक्ष और काय का विपक्ष तो इतना तो सोच लो कि जो अमेंडमेंट कर रहा है वो सत्ता पक्ष कर रहा है पर आपको पसंद नहीं आते तो इसमें क्या है जाहिर सी बात है कि अपने लोग लिए करेगा आपको पसंद नहीं आ रहे तो अगर आपको अपनी पसंद के नियम बनाने हैं क्योंकि बदलोगे तो आप भी ना संविधान को जब आप नियम खुद बनाओगे तो बदलाव करोगे तो बदलाव कर लेना पर बदलाव करने की शर्त तो पूरी करो तुमको समझ में नहीं आती तुम सारे के सारे उनतीस लाख के उनतीस लाख संगठन हमको बेफू बनाने के लिए और हमको डराने के लिए और हमको धमकाने के लिए बार बार कहते हो फलाना आदमी ने कह दिया कि इसकी संविधान की समीक्षा होगी फलाना आदमी कह रहा है कि हम संविधान बदलेंगे फलाना आदमी कह रहा है कि संविधान में ये है ये कमी है संविधान वो कमी है अरे तुम अपनी कमी देखो कि वो लोग बहुमत में हैं तो वो कह सकते हैं और कर भी सकते हैं ये नियम है संविधान का तुम्हारे ही बाबा साहब के लिखे हुए संविधान का नियम है और तुम्हारे ही बाबा साहब ने ये कहा है कि संविधान में जो चाहे वो कर सकता है पर उसके लिए बहुमत चाहिए और बहुमत किसके पास है बहुमत तुम्हारे पास है पर तुम्हारा बहुमत उनतीस लाख टुकड़ों में टूटा हुआ है तुम्हारे बहुमत के लोग एक दूसरे के पीछे जूता लेकर घूम रहे हैं और पहले उनको प्रधानमंत्री की पोस्ट चाहिए और पहले उनको मुख्यमंत्री की पोस्ट चाहिए और पहले उनको कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए और पहले उनको एमएलएमपी का टिकट चाहिए और पहले उनको गारंटी चाहिए कि वो जो सब लोग इकट्ठे होंगे तो उसके प्रधान वो खुद बनेंगे और वो सबसे पहले आका बनेंगे इसलिए पिटते हो तुम लोग इसलिए संविधान बदलता है इसलिए संविधान बदलने पर तुम फड़फड़ाते हो क्योंकि तुम अपने संगठन के लोगों को कुछ नहीं कहते तुम एक बार उनको गरियाओ तो सही एक बार जूता दिखाओ तो सही उनको एक बार उनको डंडा दिखाओ तो सही एक बार उनको याद तो दिलाओ कि संविधान में बदलाव एक नेचुरल प्रोसेस है इसको लेकर डराओ मत पर अगर तुम्हें अपने मतलब का संविधान बदलना है अपने नियम बनाने हैं अपने कानून बनाने हैं तो संविधान में इकट्ठा हो के आओ संविधान कहता है पूरा सारे के सारे नियम आप अपने हिसाब से अपने लिए बना लेना कौन मना करता है पर उस लायक तो बनो उस लायक तुम बनते नहीं और जो उस लायक बने हैं और जो तुम्हारा मत भी ले गए और वहां जाके अमेंडमेंट और चेंज कर रहे हो उनके ऊपर हल्ला मचाते हो तुम हल्ला मचा के क्या कर लोगे कौन सा काम कर लोगे संविधान में इतने अमेंडमेंट हुए और कई संविधान के विरुद्ध भी हुए जो आर्थिक आधार पे आरक्षण 10 परसेंट हुआ वो संविधान के विरुद्ध था और कोर्ट को उसे बचाना चाहिए था पर कोर्ट ने भी उसको नहीं बचाया और कहीं ने कहीं बचा नहीं तो कुछ नहीं कर सकते आप क्योंकि जिसके पास संख्या भारी है संविधान उसकी तरफ देखता है ये उसका नियम है कोर्ट ने भी आपकी मदद नहीं करी तो कोर्ट भी तब मदद करेगा जब आपकी संख्या भारी होगी वो भी देखता है कोर्ट भी कि जनमत किधर है किधर नहीं है इसलिए बोलते हैं खाता ना बही और जो संघ कह दे वो सही यानी कि जो लोग बहुमत में कह दे वो सही होता है संविधान एक किताब है इसको लोग लिखते हैं इसको लोग चलाते हैं लोग मानते हैं अगर वो उसकी मूल भावना को नहीं मानते वैसे तो मूल भावना का कहीं कोई जिक्र है नहीं उसमें कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि संविधान की मूल भावना ये है एक प्रियम को मानते हैं कि प्रियम चेंज नहीं हो सकता पर प्रियम में भी अमेंडमेंट हो गया यानी वी द पीपल हम भारत के लोग चाहें तो प्रियम में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं हम संविधान को पूरा बदल सकते हैं संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं संविधान को मान भी सकते हैं और संविधान को नहीं भी मान सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी संख्या कितनी भारी है जो अल्पमत के लोग हैं उन्हें संविधान के दूसरे पक्षी बात माननी पड़ेगी चाहे वो संविधानिक है या नहीं है इसलिए संविधान की मूल भावना का कहीं कोई ऐसा पैमाना है नहीं कि ये बात मूल में है ये नहीं है यह संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं डिफाइन नहीं है कि कौन सा स्ट्रक्चर है और कौन सा नहीं है जो स्ट्रक्चर को बहुमत कह देता है वही स्ट्रक्चर हो जाता है इसलिए संविधान लोग हैं जहाँ जनमत हैं अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो फलाना फलाना राष्ट्र बना रहे हैं फलाने मत का राष्ट्र बना रहे हैं फलाना मज़हब का राष्ट्र बना रहे हैं अरे जो जनमत होगा जो बहुमत होगा जो बहुमत को उस लायक मोड़ लेगा वो कुछ भी कर सकता है पर बहुमत है किसका समण हैं कहाँ सारे के सारे जो समण हैं वो बहुमत में जब से पैदा हुए हैं तब से इस देश में बहुमत में हैं ये जो अल्पमत वाले लोग तो ये तो इंडिया में थे ही नहीं ये तो भारत में थे ही नहीं ये तो महाभारत में थे ही नहीं ये तो बाद में आए लोग हैं तो उन लोगों ने बहुमत इकट्ठा कर लिया और आपके ही लोगों को बहुमत में ले चले गए पर आप काबिल नहीं हो आपको समझ नहीं है आपके नेताओं को सबको गद्दी चाहिए सबको पद पोस्ट और मंच चाहिए और आप उनको कुछ कहते नहीं पर आपकी इच्छा है कि सारे इकट्ठे हो जाएं पर बुरा आप बनने को तैयार नहीं है तो जिंदगी में इकट्ठे नहीं होंगे मुझे एक सज्जन मिले इनकम टैक्स में थे और वो जुड़े हुए हैं यहाँ आर के बहुत सर के परिचित हैं वो मिले बातचीत हुई किसी के साथ आए थे उन्होंने कहा जी हम तो फलानी पार्टी के कट्टर हैं हमारा सारा मत फलानी पार्टी को जाता है मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आप उसके कट्टर हैं सही बात है रहिए फिर उन्होंने कहा उन्होंने मैंने पूछा कि क्या फलानी पार्टी सत्ता में आ जाएगी कह रहा जी मुश्किल है नहीं आएगी तो मैंने पूछा क्यों नहीं आएगी कह रही जी सारे अलग अलग हैं टूटे टूटे हैं तो मैंने कहा भाई सारे अलग अलग हैं तो आपने फिर क्या करना चाहिए कह रहा जी ये इकट्ठे नहीं होते ये बड़े नालायक लोग हैं ये सार, ये सारे सारे ऐसे हैं तो मैंने कहा भाई जब आप एक पार्टी के कट्टर समर्थक समर्थक हो और आप उस पार्टी को नहीं कह सकते कि वो पार्टी सब लोगों से मिले या इकट्ठी हो जाए आप सारी पार्टियों को नहीं कह सकते आप अपना मत एक पार्टी को दे आपने अपने बच्चों को कह दिया उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को कह दिया है कि इसी पार्टी को वोट देना है तो जब आप इतने कट्टर भक्त बन चुके हो इतने कट्टर समर्थक बन चुके हो और आपको उस पार्टी के अलावा कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है तो आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते आप दूसरे संगठन को क्या कहोगे दूसरे संगठन वाला आपको कह देगा आप तो उसके भक्त हो आप अपना काम से काम रखो हम आपके पास नहीं जा रहे तो आपने सारे लोगों से या अपनी पार्टी से क्यों नहीं कहा कि सारे इकट्ठे होके आए आप ये तो चाहते हो कि सारे इकट्ठे हो जाएं पर आप अपनी पार्टी को या जिसके आप भक्त हो या जिसके मैं आप काम करो उसको नहीं कहना चाहते उसके नहीं बुरा बनना चाहते और लोगों को आप कह रहे हो कि ये इकट्ठे नहीं हो इकट्ठे नहीं होते क्योंकि आपकी इच्छा ये है कि सारे इकट्ठे हो के जिस पार्टी को आप वोट देते हो उस पार्टी में सारे आ जाएँ ऐसे ही सारे संगठन चाहते हैं कि मेरे संगठन में सारे आ जाएं जो सामाजिक हैं ऐसे ही जो ये दल बल हैं लड़कों के या जो समता सैनिक दल हैं या ब्रिगेडियर हैं या जो स्वयं सैंसैनिक दल वाले लोग हैं ये भी चाहते हैं कि सब उनमें इकट्ठे हो जाएँ वैसे ही सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि सब उनके नीचे आ जाएँ वैसे ही जो धर्मिक लोग हैं जो मतों के लोग हैं जो साधु संत लोग हैं वो भी चाहते हैं कि सारे इकट्ठे के लोग मेरे पास ही आ जाएँ सभी को मठाधीश बनना है सभी को मुख्यमंत्री बनना है सभी को प्रधानमंत्री बनना है और बनेगा कोई नहीं जीतेगा कोई नहीं तब से हिस्ट्री देखते आ रहे हैं सत्तर साल से एक देखते आ रहे हैं और आज तक कोई बना नहीं और आगे बनेगा भी नहीं जब तक इकट्ठे नहीं होंगे और इकट्ठे होने के बाद भी गारंटी नहीं है क्योंकि इकट्ठे होने के बाद भी बड़े सारे लफड़े हैं बड़े सारी परेशानियां हैं तो वहाँ जो संवैधानिक बात थी जो संविधान की बात थी उन्होंने कहा जी कि आज का जो एक कार्यक्रम किया है जो राजेंद्रपाल एडवोकेट जी ने कार्यक्रम किया इसके बारे में क्या कहोगे मैंने कहा ये कार्यक्रम जो आज हुआ है ये हमारे अधिकार और आज छिन गए इस तरह के जितने भी कार्यक्रम पूरे भारत में हो रहे हैं हजारों कार्यक्रम हो रहे हैं हजारों लोग अपने अपने संगठनों का स्थापना दिवस मना रहे हैं हजारों लोग अपने अपने संस्थापक फाउंडर और अध्यक्ष हैं संरक्षक हैं और ये जितना कार्यक्रम करते हैं उतने लोग अलग अलग टूटते हैं उतने लोगों का अलग अलग पैसा जाता है हमारे रिसोर्सेज खत्म होते हैं और हमारे रिसोर्सेज अब आ नहीं रहे हैं ये पुराने रिसोर्सेज हैं ये पुराना स्रोत है ये पुराना हमारा धन धान्य है जो हम इन कार्यक्रमों में लगा रहे हैं नया नहीं आ रहा है ना नई नौकरियाँ हमारे पास में ना ना नया रोजगार है और हमारे बच्चे बेरोजगार हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा ये हर एक बंदा जो इस तरह का कार्यक्रम लगाता है वो ताबूत में एक किलो ठोक देता है और ताबूत को और मजबूत कर देता है और एक कफन पहना देता है ये सिस्टम चल रहा है क्योंकि ये आपस में मिलते नहीं ये एक साथ मिलते नहीं एक साथ बैठते नहीं और इनमें अलग 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 अलग, अलग, अलग कार्य जो काम करते हैं उसमें कुछ लोग आ जाते हैं और लोग सवाल नहीं करते लोग कहते नहीं कि तुम अलग कार्यक्रम क्यों कर रहे हो क्योंकि वहाँ व्यक्तिवादी हो जाते हैं लोग और व्यक्ति के अधीन हो जाते हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता और अधिकतर लोग तो अज्ञान हैं अज्ञानी हैं इग्नोरेंस है इग्नोरेंट हैं क्यों क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है कोई कहने को तैयार ही नहीं है कि चीज़ें कहाँ चल रही हैं और कहाँ नहीं चल रही हैं समरसंग इस बात को समझता है समरसंग इस बात को कहता है और समरसंग स्ट्रगल कर रहा है इसके परिणाम भी आ रहे हैं पर परिणाम स्लो हैं और इतने स्लो हैं इतने स्लो हैं कि अगर सारे समर्थियों ने कमर नहीं कसी और कुछ नहीं करना सिर्फ ये कहना है अपनी दीवारों पर ये लिखना है अपने माथे पर ये लिखना है अपने शरीर पर इसका टाटू बनवाना है अपनी कमीज पर लिखना है अपने बिस्तर पे लिखना है अपने बैग पे लिखना है अपने बेड पे लिखना है अपने ग्लास पे लिखना है हम समण हैं और सामने वाले को ये कहना है कि तेरी पार्टी तेरा मत तेरा जो भी कुछ संगठन वंगठन है वो बाद में है पहले तू समण है इस बात में जब हम तैयार हो जाएंगे तो हमारी कुछ स्थिति ठीक होगी बहुत से लोग कहते हैं हम तो मूल निवासी हैं वो मूल निवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं अभी नया नया शब्द है मूल निवासी का मतलब यह है कि कुछ लोग मूल निवासी हैं और बाकी लोग मूल निवासी नहीं हैं अब इसको कौन तय करेगा हर व्यक्ति जो यहाँ पैदा हुआ है वो ठोक के कहेगा हम तो मूल निवासी हैं यहीं पैदा हुए हैं आप कैसे सर्टिफिकेट बांटोगे उनको कैसे कहोगे इसलिए मूल निवासी से बात नहीं बनती बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुजन शब्द ठीक है बहुजन एक क्वांटिटी वाला शब्द है यानी कि ये पता चलता है कि बहुजन यानी कहीं ज़्यादा लोग हैं और कहीं अल्पजन हैं कहीं थोड़े लोग हैं तो थोड़े लोग अगर थोड़े हैं और उनके बाद कहीं और थोड़े लोग हो गए जैसे मान लो शेड्यूल कास्ट लोग कहीं चार हैं और अगर कहीं जो नॉन शेड्यूल कास्ट लोग हैं अगर वो कहीं छः हैं तो छः वाले लोग बहु बहुजन हो जाते हैं क्योंकि बहुजन का मतलब है जहाँ ज़्यादा लोग हों तो ये शब्द भी काम नहीं करता दलित शब्द अभी का है दलित शब्द का कहीं कोई मीनिंग नहीं मिलता पाली के अंदर पर दृढ़ित मिलता है दड़ित का मतलब है दृढ़ इच्छा वाले लोग जो दृढ़ रहते थे पत्थर की तरह दृढ़ रहते थे वैसे लोग तो दलित से बना है तो दलित को बाद में दलित कहा गया और दलित का हिंदी में शब्द बदला गया कि दबे कुचले लोग हैं दबे कुचले लोगों को दलित नहीं बोला जाता ये शब्द नया शब्द बनाया इसका कहीं कोई पहले इतिहास मिलता नहीं शोषित का मतलब है जिनका शोषण हो शोषण तो किसी का भी हो सकता है जो जो शोषण में आते हैं वो सारे लोग आते हैं कब किसका कैसे शोषण होता है वो अलग बात है इसलिए ये शोषण शोषित शब्द भी हमको नहीं जमता और जो अर्जक चलता है अर्जक का मतलब जिसने अर्जन किया हो जो पैदा करने वाला हो कमेरा हो मेहनत कश हो तो वो कामगार से आता है तो हर एक आदमी कह सकता है हम भी अर्जक हैं हम भी कमाते हैं हम भी मेहनत करते हैं कुछ भी कर कुछ भी कह सकते हैं इसलिए अर्जक या मेहनत कश या जो काम करने वाले लोग हैं मेहनती लोग हैं उनका भी नहीं चलता है पुरानी आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ समढ़ पर आकर रुकती है समढ़ हम लोग हैं और समढ़ की इसलिए अटकती है इसलिए रुकती है क्योंकि जिनको हम ये मानते हैं कि जिन्होंने सारे अधिकार ले लिए और जिनके पास सारे अधिकार हैं उनको पूरे भारत में वमण या ब्राह्मण बोला जाता है और सारे अधिकार उनके पास हैं सारी नौकरियां उनके पास हैं सारे संसाधन उनके पास हैं सारे डिसीजन पावर उनके पास हैं लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो सब उनके पास है और वो वमण हैं तो वमण के अगर जो विरोध में शब्द आता है यानी विलोम शब्द जो आता है उल्टा शब्द जो आता है सामने जो शब्द आता है वो आप ढूंढिए कौन सा है तो वो शब्द आपको नहीं मिलता क्योंकि वो गायब किया हुआ है और वो जान के बदला हुआ है ताकि आपको पता ना चले कि समण और वमण दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में शब्द हैं इसलिए बहुत शातिर तरीके से भाषा बदल कर समण को शर्मण कर दिया और वमण को ब्राह्मण कर दिया ये समण को श्रवण करने से हमारी आइडेंटिटी खत्म हुई है और हमारी आइडेंटिटी ना केवल खत्म हुई है ये डाउन हुई है यानी हम, हमारी पहचान ना केवल खत्म हुई बल्कि पैरों में आ गई है कैसे पैरों में आ गई है श्रवण समण से श्रवण कर दिया अब समण जो लोग होते थे कहाँ से शुरू करें हम महासमण बुद्ध से जिनको विश्वगुरु बोलते हैं अकेला एक व्यक्ति विश्वगुरु है पूरी दुनिया में जिसको पूरी दुनिया के सारे देशों में मान्यता प्राप्त है पूरी दुनिया के सारे देशों में मान्यता प्राप्त है चाहे वो देश ईसाइयों का हो चाहे मुसलमानों का हो चाहे वो बुद्धिस्टों का हो चाहे कम्युनिस्टों का हो चाहे किसी भी मत का हो पर बुद्ध की मान्यता सारी दुनिया में है सारी दुनिया में पहचान है उस बुद्ध को महासमण बोला करते थे तो विश्वगुरु कौन समण जो सम्राट अशोक दुनिया का सबसे महान किंग है महान और जिसका नाम है धम्मचक्र यानी जिसने धम्म का चक्र चलाया जिसको बाद में धर्म चक्र बोला करते हैं समरठ सम्रठ मतलब जिसका समता में राष्ट्र है प्रिय दस्ती जिसके जिसके दर्शन प्रिय हैं यानी जो उसे दर्शन दिया है जो दर्शन दिया है जो नियम दिए हैं उसने वो प्रिय हैं वो अच्छे लगे हैं और ऐसा अशोक यानी कि महान महा माने बड़ा और अशोक माने जिससे शोक ना होता हो ऐसा अशोक वो व्यक्ति ने ईरान से लेके कर बर्मा तक और ऊपर अफगानिस्तान चीन से लेके और श्रीलंका तक पूरे के पूरे अंदर एक राज्य स्थापित किया और पहली बार ये सारे छोटे 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 जितने भी संघ थे ये सारे एक महासंघ में आए और भारत गणराज्य संघ महाभारत गणराज्य संघ बना और दुनिया का सबसे बड़ा राजा महान जिसने पूरा राज्य स्थापित किया और इसको एक किया और इसको जीता लोग कहते हैं अंग्रेज़ों ने भारत एक किया अंग्रेज़ों ने कितना सा भारत एक किया अंग्रेज़ों को तो पैदाइशी भारत जब मिला यहाँ उन्होंने गुलाम बनाया तो ऑलरेडी यहाँ महा महाभारत स्थापित था यहाँ कल्चर स्थापित थी सारे लोग एक थे तो वो व्यक्ति हमारा राजा और उसके वंशज राजा और उससे पहले हमारे राजा राजाओं की लाइन लगी पड़ी है इतने हमारे श्रमण राजा हैं शुरू से लेकर आखिर तक आप महावीर जैन को भी कह सकते हैं कि वो वो भी समण है हालांकि उनका प्रचार बहुत ज़्यादा वो दृढ़ थे उनकी कठोर उनके यहाँ नियम बड़े कठोर थे इसलिए वो ज़्यादा नहीं चल पाए पब्लिक में पर वो भी महासमर्थ थे वो भी समर्थ थे इसके बाद जीवक जैसा जो डॉक्टर जो आदमी का खोपड़ी फाड़ के उस जमाने में सर्जरी करता था लिखा हुआ है खाट से बांध दिया उसने ताकि सरना ही ले और खोपड़ी तोड़ के उसने खोपड़ी का ऑपरेशन किया उस ज़माने में कोई सोच नहीं सकता आज के ज़माने में नहीं सोच सकता वो व्यक्ति जिसने बुद्ध का इलाज इलाज किया और पूरी दुनिया में वो फेमस था और हमारी तक्षला यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया तो हमारा मेडिकल का स्कूल मेडिकल का कॉलेज तक्षला यूनिवर्सिटी हुआ हुआ करती थी तो हम पढ़ाने वाले भी हम डॉक्टर भी हम सारा काम करने वाले सारा मेडिकल प्रोफेसर हम जानने वाले ये समणों की पहचान है और हम रथ बनाते थे हम हथियार बनाते थे हम चीज़ें बनाते थे हम रेशम बनाते थे तो इंडस्ट्री सारी हमारे पास जिसको आप स्मॉल स्किल इस, इंडस्ट्री आज बोलते हैं वो सारी की सारी हम लोग चलाते थे हमारी थी सेना में सारे सारे समण लोग थे सारे सारे खेतों में कशक जितने भी थे वो सारे सारे हम थे खुद बुद्ध के जो वंशज बुद्ध के जो खानदानी बुद्ध के जो लोग थे वो के यानी साग सब्जी उगाने वाले किसान थे कर सकते लिखा हुआ है कि वो किसान थे तो किसान हम थे शिकारी हम थे जंगलों में जाके बड़े बड़े जानवरों के शिकार हम किया करते थे और जितना भी उद्योग धंधा है वो सब कुछ बनाने वाले हम थे ये बड़े बड़े रास्ते बनाने वाले हम थे इन रास्तों पर व्यापार करने वाला सुदत्त जैसा जो जिसको नाथ पंडक बोलते हैं वो ईरान तक माल लेके जाता था और वहाँ से माल लेके आता था और माल लाने ले जाने की बहुत सारी कथाएं हैं जो बुद्ध के इतिहास में हैं कि कैसे माल आता था कैसे नहीं और सारा का सारा काम बहुत बड़े चलता था सारे उत्सव हमारे सारे फेस्टिवल हमारे सारी कल्चर हमारी और पत्थरों पर लिखने वाले हम और अक्षर बनाने वाले हम और पढ़ने वाले हम और पढ़ाने वाले हम ऐसा कोई काम नहीं जो हम ना करते हो सिवाय एक काम को छोड़ के भीख मांगने का पूरे साहित्य में भीख मांगने का काम नहीं है एक भी समढ़ भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा और सारे वमण भीख मांगते हुए मिलेंगे आपको क्योंकि वमणों का यहाँ कोई काम नहीं वमण बाहर से आए थे ना उनकी ज़मीन ना उनकी ऐजाजात ना उनके पास पैसा ना उनके पास कल्चर ना उनके पास शिक्षा ना उनके पास दीक्षा कुछ नहीं उनके पास में तो करते क्या और हम लोग तो बड़े सशक्त थे अपने सत्थक दंड लेकर चला करते थे इसलिए वो सारी सारी कल्चर में एक भी समढ़ भिखारी नहीं है और एक भी वमड़ ऐसा नहीं जो भिखारी ना हो एक दरिद्र ब्राह्मण कहानियाँ भरी पड़ी हैं पटी पड़ी हैं कहानियाँ जैनअन कहानियाँ हैं एक दरिद्र ब्राह्मण एक गरीब ब्राह्मण मांगता है दरवाजे पर खड़ा है याचना करता है पर एक भी समण याचना करता हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि समणों के अंदर समानता थी वो संविधान के तहत कहाँ काम करते थे एक दूसरे को बांट के खाते थे एक दूसरे को मिल के खाते थे कहीं कोई माधार नहीं एक भी कहीं ऐसा सिंपल एग्जाम्पल नहीं है कि कभी समणों का अत्याचार हुआ हो या समणों की अट्रोसिटीज हुई हो या समणों के ऊपर किसी ने अत्याचार किया कहानी नहीं मिलेगी आपको झूठ ये जो कहानियाँ आजकल चलती हैं कि, कि किसी की मूँछ काट ली किसी के बाल काट लिए किसी को जूते में पानी पिला दिया किसी के ऊपर पेशाब कर दिया किसी के ऊपर हक दिया किसी को मार दिया किसी को बलात्कार कर दिया एक कहानी नहीं मिलेगी आपको हिस्ट्री में जो समणड़ों के ऊपर अत्याचार हुए क्योंकि संघ में रहा करते थे एक साथ रहा करते थे और एक साथ रहे लोगों से तो दूर दूर तक लोग डरते हैं सम्राट अशोक जैसे रा, महान रा राजा ने युद्ध ना लड़ने की कसम खाई कि अपने लोगों को नहीं मारेगा पर हथियार नहीं डाले उसके रहते रहते और उसके बाद में भी जो उसकी संतानें आईं कहीं कोई बाउंड्री पे कहीं झगड़ा नहीं हुआ जो राज्य एक बार जीत लिया वो राज्य हाथ से गया, गया नहीं इतने ज़्यादा शूरवीर इतने ज़्यादा पावरफुल इतने ज़्यादा योग्य शासक रहे हैं हम लोग तो ये सारी बातें जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी बातें इन्हें जितने उनतीस लाख के लोग हमारे ये संगठन वाले लोग हैं इनको नहीं पता ये शुरुआत करते हैं अपनी तो रोध हो गया करते हैं हमारा संविधान चला गया हमें मारा हमें पीटा हमारे पास उत्पीड़न हो रहे हैं हमारे अधिकार ये चले गए हमारे अधिकार वो चले गए पर इकट्ठे होने के नाम पे रोते हैं इकट्ठे नहीं होते इकट्ठे होने के नाम पे इनको आफत आती है इच्छा सबकी है कि इकट्ठे हो जाएँ पर इकट्ठा नहीं होते क्योंकि सबको प्रधानमंत्री और सबको मुख्यमंत्री बनना है तो कौन कहेगा संगठन वाले तो कभी आएंगे नहीं हमने कई एक्सपेरिमेंट करके कर देखे हैं और अब एक्सपेरिमेंट करने का मन नहीं है क्योंकि समय नहीं है अभी लेटेस्ट हमने नागपुर में एक वहाँ पर प्रयोग किया नागपुर में छः महीने पहले मीटिंग हमने लगाई चार दिन की मीटिंग लगाई और वो संगठनों के लिए मीटिंग लगाई जितने समर संगी हैं सारे संगठनों से मिले ये जितने समर संगी हैं आपको लगता है अट्ठाईस सौ उनतीस सौ तीन हज़ार के करीब समर संघी एक्टिव हैं इस समय बहुत ज़्यादा उन सब ने इन्विटेशन का लेटर सब को दिया उसके फ़ोटो खींचे उसके बाकायदा डाला कि जी आज हमने इस नेता को दे दिया इस कार्यकर्ता को दे दिया ये संगठन का अध्यक्ष इसको दे दिया संगठन के जनरल सेक्रेटरी को दे दिया, दिया सबको दिए पर वहाँ लोग पहुँचे नहीं क्यों नहीं पहुँचे इसलिए नहीं पहुँचे क्योंकि संघ के जो नियम हैं वो उनको पसंद नहीं हैं वो संघ के नियम उनके लिए जहर हैं संघ के जो नियम हैं अगर वो अडॉप्ट कर लेते हैं तो मर जाएंगे वो बात भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो जवाब भी नहीं दे सकते जब संगी उनसे आंख से आंख मिला के ये पूछता है कि तुम्हारे संगठन के अंदर तुम्हारी राजनीतिक पार्टी के अंदर समणों के अलावा वमण क्यों तो इसका क्या जवाब देगा क्या कहेगा कि वोट के बिना जीतेगा नहीं अरे जब पिचासी परसेंट समण हैं तो तुझे बमड़ों की वोट की आवश्यकता क्यों आज भी हम एडवोकेट राजेंद्रपाल गौतम जी के जो कार्यक्रम में गए थे तो मेरी सीट के आगे एक मिस्रा बैठा हुआ था तो मेरे बराबर में मुस्लिम थे दो तीन मैंने उनसे पूछा कि भाई ये मिस्रा जी यहाँ क्यों आए हुए हैं तो उन्होंने कहा जी कि ये राजेंद्र पाल गौतम जी के ग्रुप में बहुत प्रमुख हैं और ये राजेंद्र पाल गौतम जी को बहुत मानते हैं और ये उनके बहुत खास हैं और ये उनके बहुत सहयोगी हैं एक वहाँ उनका जो बैनर चला था उस पर एक मेहरा नाम नाम लिखा हुआ था तो हमने कहा जी ये मेहरा तो ब्राह्मण है हिमाचल प्रदेश का ये ये क्यों कह रहे जी ये उनके टीम के लोग हैं तो हमको ये बात समझ में आई कि राजेंद्रपाल गौतम जी राजनीतिक लोग हैं वो राजनीतिक आदमी हैं वो एम हैं और राजनीतिक आदमी की मजबूरी होती है कि उसको चुनाव में जब जाएगा तो किसी का विरोध नहीं लेना चाहता इसलिए वो सब तरह के लोगों से मिलता जुलता है तो फिर सामाजिक काम करने की बाध्यता क्यों आप सामाजिक काम भी कर रहे हो और राजनीतिक भी कर रहे हो तो इनको घालमेल करने की आवश्यकता क्यों और वैसे समणों की कितनी संख्या है इन सवालों का जवाब कौन देगा कौन इन सवालों को बताएगा कि जब इतने सारे समण हैं जब वो नहीं सदते आपसे तो आप रमणों में जाके क्या करते हो उनके पंद्रह परसेंट बोर्ड से तुम कौन से प्रधानमंत्री बन जाओगे पर समझ में नहीं आता दूसरा सवाल कोई पूछे उनसे कहे कि चंदा क्यों हमारे ही चंदे को लेते हो और हमारे ही चंदे से भंडारा लगाते हो और हमें ही लाइन में लगाते हो भिखारी बनाते हो ऐसा क्यों क्या कारण है तो कोई जवाब नहीं देता क्योंकि चंदा इकट्ठा होता है दस लाख चंदा इकट्ठा होता है बीस लाख चंदा इकट्ठा होता है दो करोड़ और खर्च होते हैं वहाँ पे एक लाख दो लाख और दस लाख तो चंदा बस्ता बहुत है इसलिए चंदे को सारे लोग कहते हैं समर संघ से ये चंदे वाला नियम गलत है जी ये चंदे वाला नियम बिना चंदे के तो सारे संगठन मर जाएंगे अरे भाई कहाँ मरते हैं संगठन बिना चंदे के नेता मरते हैं बिना चंदे के संगठन तो जीवित हो जाते हैं संगठनों को पैसा नहीं चाहिए लोग इकट्ठा करने के लिए कब पैसे की आवश्यकता पड़ी जरा बताना कि बुद्ध ने कौन सा पैसा इकट्ठा किया और किसके आगे हाथ जोड़े और किसके आगे ये कहा कि मेरे को पैसा दो तो मेरे को भिक्कू संघ चलाना है किसके आगे जाके पैर पूजे कौन से राजा की दरबार में जाकर हाजी लगाई कि मेरे को पैसा दो तो मेरे को ये पचास हज़ार भिक्खों का भिक्कू संघ चलाना है वो आदमी जो पैदल चलता था उस समय उसके पास खाने को नहीं पहनने को नहीं एक कूड़े से उठाए कपड़ा पहनता था उस व्यक्ति ने पचास हजार आदमियों का संघ बना दिया प्रचारकों का और एक पैसा नहीं मांगा किसे और एक पैसा नहीं लिया किसे और पैसे की कभी बात नहीं करी बल्कि नियम बना दिया कि भिक्कू पैसा नहीं ले सकता अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता और उसको अगर कोई दान देता है तो वो दान ले नहीं सकता संघ के नाम पर दान लेगा और संघ में जमा करेगा इसलिए उसको भिक्कू दान नहीं बोलते उसको संघ दान बोलते हैं कहीं बुद्ध दान नहीं मिलेगा आपको बुद्ध के लिए कोई दान नहीं है संघ के लिए दान है यानी बुद्ध को भी बुद्ध भी अपने हाथ से कोई चीज़ जीवन में नहीं पकड़े ना लिए जो लिया संघ ने लिया संघ के नियम थे संघ दाना हुई और दुनिया में जितने संघ चलते हैं वो सब जितना भी दान लेते हैं खुद लेते हैं व्यक्ति नहीं पकड़ता पर यहाँ तो व्यक्ति पकड़ रहे हैं यहाँ तो मारा मारी चल रही है दस हज़ार दे दो पचास हजार दे दो बीस हजार दे दो और आधा आधा चंदा तो आधा क्या नब्बे परसेंट चंदा तो इकट्ठा करने वाले खा जाते हैं दस परसेंट पहुँचता है वहाँ तक बाकी उसमें से वो खा जाते हैं पर कोई हिसाब देता नहीं कोई लेता नहीं कोई मांगता नहीं सब ऐसे चलता है इसलिए हम डूब रहे हैं इसलिए मर रहे हैं इसलिए संगठन अलग अलग हो के भी एक दूसरे की बुराई नहीं करते कभी ये नहीं कहते कि फलाना संगठन ने इतना चंदा खा लिया आपने कभी भी पूरी ज़िंदगी में दो संगठनों के बीच में ये नहीं तकरार देखी होगी कि ये चंदा खा गया ये चंदा खा गया तो दोनों को चंदा खाना है इसलिए वो नियम उनको कचोड़ता है फिर उसमें लिखा हुआ है राजनीति में संग नहीं जाएगा अब यहाँ तो राजनीति में यहाँ तो आते हैं लोग लोगों के दिमाग में ये बात डाली हुई है कि सारे तालों की चाबी राजनीति है मास्टर चाबी राजनीति है कूट कूट के कूट कूट के बचपन से ये बात डालते हैं ताकि वोट उनको देता रहे पर कोई ये नहीं बताता कि भाई ये इतने सारे ताले क्यों हैं ये इतने सारे तालों का तुमने बना के एक ताला क्यों नहीं बनाया ये इतनी सारी चाबियाँ क्यों हैं इन सब की चाबियाँ गला के तुमने एक चाबी क्यों नहीं बनाई ये काम कौन करेगा ये कोई नहीं कहता मैंने एक व्यक्ति से पूछा जो बाम का है जो जिसने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली भाई तुम अलग, अलग अलग पार्टी बना के क्यों रहते हो तो क्या जवाब देता है संविधान में बाबा साहब ने आज़ादी दी है वोटर को हम बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते वोटर की इच्छा है कि उसको जो पार्टी अच्छी लगे उस पार्टी को वोट दे तो मैंने कहा भाई अकल के खट्टू ये तो बता मेरे को तुम 16 परसेंट तो सारे कास्ट हो चौदह पंद्रह सोलह परसेंट हो 16 परसेंट सारे भी इकट्ठे हो जाओगे एक बड़ा ताला बना लोगे चाहे बना लोगे तो भी तुम कौन सा ताला खोल लोगे ऊपर से तुम ऐसे ऐसे भाषण देते हो कि सारे लोग हो जाए सब लोगों की इच्छा है तो फिर तुम लोगों को क्यों इकट्ठा करते हो फिर तुम लोगों को क्यों कहते हो कि तुम मेरी वामसेब में आ जा मेरी बाम बामसेब में आ जा फिर तो संविधान ने आज़ादी दे रखी है हजार बाम से बनाओ हजार संगठन बनाओ उनतीस लाख संगठन बनाओ उनतीस करोड़ बनाओ फिर तो ठीक चल रहा है मामला फिर काय को रोते हो कि अलग 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 लोग हैं और इकट्ठे नहीं होते इकट्ठे नहीं आते फिर क्यों लोगों को इकट्ठा करना चाहते हो तो उसकी बोलती बंद हो गई तो उसका चुप हो गया यानी अपने हिसाब से आर्गूमेंट गढ़ लेते हैं लोगों की चिंता नहीं है उनको कौन सा ऐसा आदमी है यहाँ पोर्टल पर टू लोग हैं मेरे को बता दो टू में से टू में से कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो ये कहता हो कि अलग अलग पार्टी होनी चाहिए अलग अलग लोग होने चाहिए हर साधारण आदमी की अंतिम इच्छा है कि सब इकट्ठे होने चाहिए पर साधारण आदमी को पता नहीं है कि इकट्ठे कैसे होंगे तो समर संघ बताता है कि भाई इकट्ठे होने का सबसे आसान तरीका है आप इनको छोड़ दो आप इनको ना सपोर्ट दो ना इनको वोट दो ना इनको चंदा दो ना इनकी बात करो इनका जिक्र छोड़ दो इनका जिक्र छोड़ दोगे ये जिंदा दफन हो जाएंगे अगर इनका जिक्र करते रहोगे तो ये जिंदा हो जाएंगे तो इनका जिक्र छोड़ दो बहुत सारे लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया तो पेट में दर्द हुआ तो लोगों ने नई नई दुकानें खोल ली कोई धर्म के नाम से पैसा ले रहा है धार्मिक काम भी कर रहा है कोई कह रहा जी मैं दस लाख बुद्धिस्ट बनाऊंगा कोई कह रहा पाँच लाख बनाऊंगा कोई कह रहा जी हम कोर्ट में जाके हम ये बचाएंगे जो हमारी विरासत व्र है उसको बचाएंगे कोर्ट में अरे कोर्टें कहाँ सुनती हैं तुम ही तो रोते हो कि कोर्ट हमारे नहीं सुनती हैं और तुम ही कोर्ट में जाते हो तो पागल तुम हो या पागल हम हैं हमें तो ये समझ नहीं आता तो पागल भाई हम ही हैं क्योंकि पागल अगर हम ना होते तो हम इनको सपोर्ट क्यों करते अगर हम पागल ना होते तो इनकी बात में क्यों आते ये बंद नहीं करेंगे इनको जब तक रोटी पानी मिलती रहेगी ये बंद नहीं करेंगे क्योंकि अधिकतर संगठन चलाने वाले लोग बेरोजगार हैं भारत में एक खास बात है हमारे लोगों में खासतौर से आप ध्यान दो इस बात को किसी का रोजगार नहीं है किसी को कोई पैसा कोई व्यापार नहीं करता सब लोग सरकारी कर्मचारियों की या पेंशन वाले लोगों की भीख पर पलते हैं हाथ पैर जोड़ते हैं तो भीख लेने के दो तरीके हैं या तो मांग के ले लो या उनको पहले डरा दो और ले लो तो क्या कहते हैं हमसे अरे ब्राह्मणों को पैसा मत देना ये ब्राह्मणों को जो पैसा देते हो ये तुम्हारे ही विनाश में काम आता है ये ब्राह्मण तुम्हारे बाद में आडम्बर बनाता है और ब्राह्मणों को दिया हुआ दान हमेशा तुम्हारे ही खिलाफ़ इस्तेमाल होता है ठीक कहते हैं वो लोग पर समर्थन ये कहता है कि अरे उनतीस लाख संगठनों को पैसा मत देना ये उनतीस लाख संगठन बेवकूफ़ बनाते हैं और जितना पैसा हम इनको देते हैं उतना ही हमारा नाश होता है उतना ही बेड़ा गरक होता है और अगर इसमें किसी बात को यकीन ना हो तो सत्तर साल के अधिकारों को चेक कर लो जब से ये संगठन आए हैं तो अधिकार बढ़ने चाहिए थे पर अधिकार अगर घटे हैं तो बेड़ा गर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है यानी हम जैसे जैसे पैसा देते जा रहे हैं वैसे वैसे अधिकार जा रहे हैं तो ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं ये भी ब्राह्मण हैं ये उस ब्राह्मण का नाम लेते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है जो जो हमारे इकट्ठे होते भाग जाएगा जिसको उससे हमें डराते हैं पर ये खुद टूटे हुए हैं ये खुद चंदा लेते हैं और ये खुद हमारे अधिकारों के दुश्मन हैं इन्होंने सारे अधिकार हमारे बेच दिए इसको जिक्र नहीं करते इसको बात नहीं करते दूसरे का नाम नाम लेते हैं कब आया ब्राह्मण ये कहने के लिए कि बाम से वालो तुम टूट जाना कब आया ये कहने के लिए कि समता सिंह दल वालो तुम अलग अलग काम करना कब आया ब्राह्मण ये कहने के लिए कि आर जो पार्टी है उसके बीस टुकड़े करना कब आया ब्राह्मण ये कहने के लिए कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो परिवार है उसमें सब अलग अलग काम करना कब आया ब्राह्मण ये कहने के लिए कि तुम सामाजिक संगठन अलग काम बनाना कब आया ब्राह्मण ये कहने के लिए कि तुम अलग अलग होके एक दूसरे के पीछे जूता लेके घूमना और कभी एक साथ बैठ कर चाय मत पीना बताओ कभी आया हो तो कभी नहीं आया वो उसका बहाना बनाते हैं उसको झूठ बोलते हैं वो अपना काम करता है और उसका काम करना उसका अधिकार है हर व्यक्ति का एक राइट है ह्यूमन राइट है कि वो अपने डेवलपमेंट के लिए अपने बच्चों के विकास के लिए सोचे उसके लिए काम करे इसलिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं तरक्की कर रहे हैं या जिन्होंने सारी सत्ता सारी पावर ले ली है वो अपने बच्चों के हिसाब से सही काम कर रहे हैं वो आपको नींद नि रुक रहे पर अगर आप बेवकूफ़ हो और आप में अकल नहीं है और आप अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो आपने खुद उनतीस लाख संगठन बना बना के यहाँ धंधे खोल लिए हैं तो इसमें उनका क्या कसूर है उनका काम तो आसान हो गया उन्हें तो अब लड़ना भी नहीं पड़ रहा तुम खुद ही लड़े जा रहे हो वो तो अपना काम करे जा रहे हैं इसलिए दूसरे को दोष मत दो दूसरों को गाली मत दो दूसरे का डर मत दिखाओ दूसरे का जिक्र मत करो जिसका जिक्र करोगे वो जिंदा हो जाएगा दुश्मन को अगर याद करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा अगर अगर विरोधी का काम करोगे विरोध करोगे तो विरोधी बड़ा हो जाएगा तो सहयोगी का काम करो दोस्तों को याद याद करो दोस्तों का आगे बढ़ाओ और ये जो सारे अपने लोग हैं इनके साथ बैठो उठो तो आगे बढ़ोगे तो आगे जीत जीतोगे ये सनातन धर्म है ये सनातन धम्म है कि अगर जुड़ेंगे तो जीतेंगे ये सनातन है जो नहीं जुड़ेंगे वो नहीं जीतेंगे ये सनातन है तो सनातन नियम में आओ ये असनातन नियम में जो तुम आते हो तो उससे नहीं हो पाते बात इसलिए ये जो संविधान का जो डर हमारे सर पे है और ये सारे लोग जो लगे पड़े हैं एक दूसरे से एक दूसरे को ये कहने के लिए कि जी संविधान खतरे में संविधान कोई संविधान खतरे में नहीं है आप आज इकट्ठे हो जाओ जो चाहो वो लिख लो संविधान में जो चाहो वो सारे के सारे अधिकार अपने नाम निकलो पर इकट्ठे तो हो जाओ लोगों को दूसरों को कहते रहते हो अरे उसने संविधान फाड़ दिया उसने संविधान जला दिया उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया अरे भैया जो लोग इकट्ठे नहीं होते उनके संविधान फटते ही हैं जो लोग इकट्ठे नहीं होते उनके संविधान के पन्ने पन्ने बिखरते हैं जो लोग इकट्ठे नहीं होते उनके संविधान बदलते ही हैं पर जो इकट्ठे हो जाते हैं उनके संविधान बच जाते हैं दो अप्रैल अट्ठारह को इकट्ठे हुए ना तो दो अप्रैल अट्ठारह को इकट्ठे हुए तो संविधान का जो एक नियम बदला था वो कैसे बच गया कैसे रुका तो अकल नहीं आती समझ नहीं आती इस बात में कि इकट्ठे होने के बाद संविधान बचता है पर हमारे तो लोग हैं जो जगाने वाले हैं वो क्या कहते हैं सुरक्षा संवर्धन सहयोग पता नहीं क्या क्या संविधान के बारे में करते रहते हैं और संविधान को पढ़ाने में लगे पड़े हैं डोर टू डोर संविधान को पढ़ाने में लगे पड़े हैं पता नहीं भाई डोर टू डोर पढ़ाने में संविधान में कौन सा तुम संविधान को बचा लोगे संविधान यह कहता है कि इकट्ठे हो क्या हो तुम संविधान के पढ़े लिखे हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे एलएलबी हो एलएलएम हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या वकील हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो या नहीं हो चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो या लूले हो लंगड़े हो फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे आदमी हो औरत हो फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे गाँव में रहते हो शहर में रहते हो गरीब हो मजदूर हो दबे हो कुछले हो फर्क नहीं पड़ता हर एक व्यक्ति का एक वोट है संविधान में यह कितनी खूबसूरत बात है और कितनी पावरफुल बात है कि आप किसी भी हालत में कमज़ोर हो सकते हो पर अपने अधिकार के क्षेत्र में कमज़ोर नहीं हो वहाँ हिस्सा बराबर है तो किसने मना किया इन सबको इकट्ठा होने के लिए कौन रोकता है इकट्ठा होने के लिए और जो रोकते हैं आप उनको कहा नहीं घरी आते जो रोकते हैं क्यों उनके हाथ पर हाथ पर नहीं तोड़ते जो रोकते हैं क्यों नहीं जूता लेकर उनके पीछे घूमते और दोष देते हो दूसरों को तो दूसरों को दोष देना बंद करो सारी उंगलियाँ अपनी तरफ उठाओ कि कमी हमारे अंदर है अगर हमने ये गरियाए होते हमने इनसे सवाल किए होते हमने इनसे पूछा होता हमने इनका सपोर्ट बंद किया होता हमने इनका पैसा बंद किया होता तो बात बन जाती यहाँ बाम सिर्फ का एक धड़ा चलता है बहुत दिनों से मैं बहुत पहले से उनके साथ काम करता था एक बार मिले तो बात करनी बंद कर दी क्या हुआ गाली गलोज पर उतर आए तो पता चला कि जो हम यहाँ संगठनों को गरियाते हैं उनके अंदर भी कमियाँ थी वो गरी आ गए यानी कि उनको बुरा लगे तो विरोध में आ गए कोई बात नहीं हम तो इस काम के लिए बैठे हुए हैं जब आप कहीं कोई चीज़ चेंज करोगे तो चेंज में उठक पटक तो होती है कोई भी चीज़ बदलोगे तो उसके बहुत सारे परिणाम आते हैं हम सब के लिए तैयार हैं आज फिर मिल गए आज थोड़े से मुलायम थे नरम थे तो मैंने कहा क्या चल रहा है मूवमेंट में कह रहा जी यही चल रहा है तो मैंने कहा इकट्ठे क्यों नहीं होते तो मुझसे कहते हैं ब्लू क्या है इकट्ठा होने का ब्लू समझ रहे हो ब्लू का मतलब है कि प्लान बताओ प्लान बताओ कि इकट्ठा होने का प्लान क्या है मैंने कहा भाई देखो एक ही प्लान है बाई द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल आप इकट्ठे हो जाओ जो नियम आपको अच्छा लगता है आप पास करा लेना यहाँ तो हाउस लगता है यहाँ व्यक्ति नहीं चलता आप अगर मुझसे ये कहो कि जी प्लान बताओ कि मेरी क्या जगह होगी मेरी क्या पोजिशन होगी मैं इतना पुराना कार्यकर्ता हूँ मैं इतना पुराना नेता हूँ मैं इतना फलाना आदमी हूँ मैंने इतना ये काम किया है वो किया है, मैं बूढ़ा हो गया मैं साठ साल का हो गया पैंठ साल हो गया पहले मेरा स्थान बताओ अरे तो भैया वहाँ कोई स्थान नहीं है और वहाँ सारे स्थान हैं स संघों के अंदर जो काम करता है उसका स्थान अपने आप बढ़ता चला जाता ये संग है ये संघ ऑटोमेटिक चलते हैं ऑटोनोमस हैं ये फर्श अपने आप दौड़ते हैं जो जितना काम करेगा संघ उसको उतना रिकोगनाइज़ करेगा और जो खाली गाल बजाएगा बातें करेगा काम नहीं करेगा उसको भी समझ लेता है संघ के ये क्या है क्या नहीं है और जो बिल्कुल काम नहीं करता उसको भी समझ लेता है और जो विरोध में काम करता है उसको भी समझ लेता है इस संघ की हजारों आँखें हैं हजारों दिमाग हैं इसके हज़ारों हाथ पैर हैं और ये संगी इतने जबरदस्त हो चुके हैं इतने समझदार हो चुके हैं इतने पेशेंस वाले हो चुके हैं कि उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं कि ये आदमी कहाँ जा रहा है क्या कह रहा है तो मैंने उनसे कहा कि भाई संघ में आ जाओ और जितने प्रस्ताव पास करवाने हैं करवा लेना अगर तुम्हारे प्रस्तावों में दम हो और संघ पास कर दे तो संघ के हो जाते हैं पर संघ में प्रस्ताव कराने कौन आए कौन मानेगा वो कहेगा मैं प्रधान वो बनूंगा तो संघ तो दो मिनट में कह देगा यहाँ तो कोई प्रधान है ही नहीं तो उसका तो प्रस्ताव ही गिर जाएगा बेचारे का उसके तो मन के सारे अरमान गिर जाएंगे वो यहाँ कोई सामाजिक क्रांति करने थोड़ी आया हुआ है वो तो अपनी पारिवारिक क्रांति करने आया हुआ है उसके परिवार में उसको पैसा चाहिए पद पोस्ट चाहिए मंचमाला चाहिए और नेतागिरी चाहिए वाह चाहिए वो यहाँ कुछ है नहीं इसलिए जानते समय नेता के संघ बिल्कुल ठीक चल रहा है संघ की बुराई नहीं कर सकता कोई भी पर जैसा कि कटके सर ने बताया था कि बहुत सारे नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि संघ अपने नियम से फिसल जाए बस और फिर हम इसी गर्दन दबोच लें तो वो दिन आने वाला भी नहीं है ना पहले कभी आया ना अब कभी आया संघ का काम स्लो हो सकता है संघ का काम हाई स्पीड में हो सकता है संघ का काम थोड़े समय के लिए रुक सकता है बढ़ सकता है पर अपने नियमों से नहीं हट सकता संघ यहाँ तो ये यह खुला है कि संघ के जो दस नियम हैं वो हमारा प्रियम हैं और हम प्रियम्बल में चेक कर लेते हैं जब भी कोई नियम यहाँ पास होता है चाहे हमारे दो चार आदमी हमें फना करने पड़े हमें कुछ दिक्कत नहीं है मान लो कोई व्यक्ति अड़ गया और वो संघ के दस गोल्डन नियम के विरुद्ध में कोई बात अड़ गया और उसने ये शर्त लगा ली कि या तो मेरी बात मानो और या मैं जा रहा हूँ तो हम कहते भाई तू चला जा कोई दिक्कत नहीं है और इससे बेहतर कोई संघ मिलता हो तो हमें भी बता देना हम भी वहाँ आ जाएंगे पर ये जो नियम है दस गुल्डन नियम है ये तो इसका अमत नियम है ये तो इसकी जान है ये तो उसका आधार है आधार ही खिसक गए तो पूरा गिर जाएगा इसलिए ये नहीं बदले जाएंगे पर ऐसा भी नहीं है कि हम इतने ज़्यादा कठोर हैं कि दस नियम के या हमको कोई ये कहे कि जी आप तो रट्टू तोता हो गए कि दस नियम हैं तो दस नियम के बदले जाएंगे बदल सकते हैं उसका भी नियम है उसका भी नियम पास है पर वो नियम में पास करा के तो देखे कोई तब पास होगा ना अगर उसकी आवश्यकता होगी और वो ख़राब होगा तो हाउस उसको भी पास कर सकता है अमेंड कर सकता है पर हाउस ने ही बनाए हैं और हाउस ने खूब उठा पटक करके खूब तर्क वितर्क के साथ बनाए हैं और समय समयंत्र के हिसाब से बनाए हैं इसलिए फिलहाल तो चेंज होने वाले नहीं हैं आगे कभी पचास साल बाद सौ साल बाद कोई परिस्थिति ऐसी हुई कि मान लो जातियाँ ही खत्म हो गई देश से तो फिर जो हमारा जाति वाला नियम है कि जाति का अभ्यास कभी नहीं उसका हम करेंगे भी क्या रख के तो वो ऑटोमेटिक अबोलिस हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा पर होगा जब जब वो चीज़ जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए इसलिए इसलिए यहाँ जो संविधान में जितने भी लोगों को उलझा के रखा हुआ है उससे बचें संविधान जीवित किताब है संविधान हमारा जीवित दस्तावेज है जीवित दस्तावेज उसे कहते हैं जो बदलता रहता है ये कोई डेड बुक नहीं है हमारी ये कोई किसी मज़हब की किसी धर्म की किसी रिलीजियस की किसी मत की कोई ऐसी किताब नहीं है कि जो गुरु जी गए बस वही है उसके बाद ना इसमें बदला जाए ना इसमें कुछ आगे लिखा जाएगा और ना इसमें से कुछ घटाया जाएगा वो धार्मिक किताबें हो सकती हैं मतों की हो सकती हैं पर यह संविधान है भारत के अंदर दो सिस्टम ऐसे हैं जो जीवित हैं एक बुद्ध के संघ का जो सिस्टम है वो जीवित था बुद्ध ने मरते हुए आनंद से कहा कि आनंद अगर कुछ नियम अच्छे ना हो पुराने लगें भिक्खु संघ बदलना चाहे तो बदल ले कोई दिक्कत नहीं है वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान में संविधान को बदलने के अमेंडमेंट के नियम उसमें दिए हुए हैं इसलिए ये चिल्लाना छोड़ो कि संविधान बदल जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा जो लोग इकट्ठे होते हैं वो खुद संविधान होते हैं लिखी हुई किताब संविधान नहीं होती वो खुद नियम बनाते हैं खुद नियम पर चलते हैं उनके द्वारा नियम होते हैं उनके नियम होते हैं उनके लिए होते हैं इसी को संविधान बोलते हैं ये लगातार बदलते रहते हैं लगातार आएंगे, लगातार चाहेंगे ये जीवन भर का प्रोसेस है और सेम ऐसा प्रोसेस हम यहाँ समर संघ में चलाते हैं समर संघ के अंदर हमारे नियम बदलते रहते हैं आज प्रस्ताव ले आओ और वो पास हो जाए तो वो नियम बदल जाएगा यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई नियम हो गया तो अमर हो गया अब वो हजार साल तक चलेगा ऐसा नहीं है यहाँ नियम अगर नहीं इस्तेमाल होता है और उसका परिणाम खराब आते हैं तो हाउस उसको बदल देता है पर बदलेगा हाउस ही बदलेंगे लोग ही कोई व्यक्ति नहीं बदल सकता इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया हो या हमारी प्रक्रिया हो या पुराने समर्थसंघ की प्रक्रिया हो सारे के सारे प्रोसेस सेम है पहले भी हम जीते थे फिर जीतने की गारंटी है कोई दुनिया में कुछ भी कहे पर गारंटी है पर जीतने के लिए काम करना पड़ेगा काम एक ही है इकट्ठा होना पड़ेगा जो जो इकट्ठे हुए हैं वो वो जीते हैं जहाँ जहाँ इकट्ठे हुए हैं वहाँ वहाँ जीते हैं जब जब इकट्ठे हुए हैं तब तब जीते हैं सन्नीपात बाहुल करते रहेंगे जीतने की गारंटी है लगातार बात करते रहेंगे जीतने की गारंटी है अरबों खरबों वार समण लिखेंगे कि मैं समण हूँ इतना ही लिखते हैं खाली अपनी हर जगह कि मैं समण हूँ मैं समण हूँ मैं समण हूँ तो भी जीत जाएंगे ये एक चमत्कार है ये एक मंत्र है अगर मैं समण हूँ मैं समण हूँ हम समण हैं समर्थ संग हमारा समण हमर हमारा संग समर्थ संग इतना भी अगर हम याद कर लें अपने बच्चों को याद करा दें दो साल का बच्चा उसको भी याद दिला दें कि वह समण है आपको जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता ये गारंटी है हम इसलिए ख़त्म हुए क्योंकि हमारा समण शब्द चला गया हम इसलिए जीवित होंगे क्योंकि हमारी कल्चर वापस आ रही है और जिसकी कल्चर वापस आती है बाकी सारी चीज़ें उसके साथ खिंची हुई चली आती हैं ये प्राकृतिक निय नियम है मेरे शब्दों में अगर किसी को कोई आहत हुआ हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ संघ मुझे माफ़ करे संघ मुझे माफ़ करे संघ मुझे माफ़ करे संग नमामि संघंघ नमामि संग, संग नमामि आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं आप अपने फेसबुक पे अपने पेज पे अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूंजी आपकी है धन्यवाद